हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज से हम लोग का मकर स्टार्ट। आज हम लोग का बाउंडी बोलते हैं, आज बाउंडी है। तो क्या क्या आज होता है स्पेशल, हम आप लोगों को दिखाएंगे पूरा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम पूजा करने जा रहे हैं, थोड़ा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा व्लॉग हम दिखाएंगे। आज बहुत स्पेशल स्पेशल खाना बनेगा, तो चलिए दिखाते हैं आप सबको। सामने जैसे कि बताया था कि हम दरवाजा पहुंच रहे हैं। हम लोग का यहाँ कुछ मतलब मकर के पहले दिन हम लोग कुछ करते हैं, तो वही मिट्टी लगाते हैं और सिंदूर उन्दूर लगा के कल पूजा करेंगे इसका। और तो आज सिर्फ मिट्टी लगाएंगे सब दरवाजा के ऊपर। तो चलिए अभी लगाते हैं। तो सानवी आई है मेरे साथ और सानवी बोल रही कि हम जाएंगे चाची के साथ। तो यहाँ पर इस तरह का मतलब करते हैं, ये दरवाजा भी दे देते हैं। तो फिर सब दरवाजा अलमीरा और रूबा सब में देते हैं। तो अभी हम लोग का रूम चलते हैं, अलमीरा के ऊपर देते हैं। थोड़ा सा दे देते हैं। ये हम लोग का गेट के ऊपर। तो इसी पर का सभी दरवाजा अलमीरा बक्स में देते हैं, जहाँ चावल वावल रखते हैं। तो चलिए दे देते हैं। तो गाइस, सारा गेट में हम लगा लिए हैं मिट्टी अभी। और अभी जा रहे हम खाना खाने। आज बना है पीठा हम लोग का, जो मम्मी जी रेडी किए हैं। उस पीठा का दाम क्या है नहीं पता मेरे को, क्या बोले थे भूल गए हम। तो अभी जा रहे हैं हम वही चीज खाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है वो पीठा, किस तरह का है। और वही चीज मटन भी आज बनाएंगे और सेव भी करेंगे, किस तरह का मटन बनाते हैं। तो अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मटन बनाएंगे और चावल वावल सब बनाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। तो गाइस, मैं इसी पीठा का बात कर रही थी और ये पीठा मम्मी जी तैयार किए थे, हम सिर्फ फ्राई कर रहे हैं। और सब्जी बनाते टाइम हम आप लोगों को नहीं दिखाए वो चीज़। तो अभी मेरा सारा पीठा बन चुका है और अभी हम लोग खाने वाले हैं, उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले मटन बना रहे हैं, क्योंकि मटन बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसको जल्दी ही बना दे रहे हैं। तो उसके बाद चावल बैठाएँगे। तो मटन रेसिपी में दे चुकी हूँ पहले ही, तो अगर देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल में जाके वो मटन रेसिपी देख सकते हैं। और इस तरह का मेरा मटन बना था, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था, थोड़ा सा हम खा के देखे थे। तो इसी पर का जहाँ जहाँ मिट्टी दिए हैं वहाँ वहाँ हम लोग ये देंगे झुट्टी। तो दे देते हैं। तो आपको अच्छा तरह से नहीं दिख रहा होगा, सूखा नहीं है, देख सकते हैं इसी प्रकार हम लोग दे रहे हैं। तो सब गेट में हम लगा लेते हैं। हम चारों तरफ दे दिए हैं झूठी और अभी जा रहे हैं हम किचन। तो गाइस, अभी हम बना रहे हैं तिल का लड्डू और इधर तिल भून चुके हैं थोड़ा सा, और इधर दिए हैं थोड़ा सा पानी देके गुड़ दे दिए हैं, गुड़ को उबलने दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर डाल दिए। तो वो उबलने के टाइम हम वीडियो नहीं बनाए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखाए। ये हम लोग का सारा तिल का लड्डू बन चुका है और डायरेक्ट सुबह का वीडियो दिखाते हैं आपको, मकर हम लोग किस तरह का मनाते हैं। इसको रख देते हैं डिब्बा में पैक करके, आज नहीं खाएंगे, मकर के दिन ही खाते हैं तिल लड्डू, तो कल खाएंगे, इसलिए डिब्बा में इसको पैक करके रख दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो और सबको कैसे कैसे ड्रेस लिया है कमेंट में जरूर बताइएगा, ड्रेस साड़ी। और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं और ये न्यू साड़ी है पहने हैं।
तो सबका लुक दिखाएंगे हम, कौन कौन हम लोग का घर में क्या क्या पहना है, तो आज क्या क्या खाने में बनेगा वो भी दिखाएंगे। तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखिएगा, आप लोग को बहुत मजा आएगा और हम लोग को भी अच्छा लगेगा आप लोग पूरा एंड तक ब्लॉग देखेंगे। तो फिलहाल मैं अभी नीचे जा रही हूँ। ये मेरा साड़ी था जो मम्मी जी ने मेरे को दिए थे मकर में पहनने के लिए, इस तरह का है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये साड़ी। तो गाइस हम किचन पहुंच चुके हैं और अभी हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं सुबह के टाइम। अभी क्या क्या बनेगा अभी दिखाएंगे आपको। फिलहाल मैं सब्जी बना रही हूँ बड़ा चीटा का, तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। तो सब्जी में मैं मसाला पहले बना रही हूँ और ये चना उबला हुआ था, तो सब्जी बना लेते हैं उसके बाद। सब्जी बन चुका है ये, और इधर पकौड़ी के लिए बेसन घोल के रखे हैं और इधर बेलचा बनेगा इसके लिए अलग रखे हैं। तो इधर पालंग पूरी बनेगा तो ही भाभी काट रही है पालंग, और इधर सब कुछ तैयारी हो चुका है। तो गाइस ये सोहम का न्यू ड्रेस है, मम्मा का ड्रेस दिखाओ मम्मा। ये हम लोग का ट्यू मम्मा का ड्रेस है जो कि जेके। हाँ चलो तो चलो 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 लाइट चलेगा, देखो लाइट जल रहा है, चल रहा है। सानवी को बुखार है इसीलिए अभी ये उदास है, मम्मी मम्मी कर रही है। और इधर पालंग को उबाल रहे हैं, तो ये है इनका ड्रेस। तो वहीं पर जहां हम लोग मिट्टी और झूठी दिए थे वहीं पर चावल वल दे के पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर चावल रखा हुआ है डिब्बा में और सब गेट के सामने पूजा करेंगे इसी प्रकार। और ये है मेरे हस्बैंड का ड्रेस, मस्त पहन के घूम रहे हैं तिल लड्डू खा के। लोग का नाश्ता में बना है ये पालंग पूड़ी और ये ब्रेड चॉप, ये बैगन चॉप, तिल लड्डू, पकौड़ी और सब्जी। तो ये सब कुछ हम लोग का ब्रेकफास्ट में बना है। लंच हैप्पी मकर संक्रांति, खाइए सब। हम लोग का नाश्ता हो चुका है और अभी इतना सारा बर्तन है जो कि अभी धोना है और किचन साफ करना है, उसके बाद लंच की तैयारी। लंच में क्या क्या बनता है दिखाते हैं आप लोगों को। अरे मकर के दिन क्या हो गया, सानवी को बहुत ज़्यादा बुखार है तो उसको डॉक्टर घर लेके जा रहे हैं अभी, और उसी टाइम का ये वीडियो है। इसमें अभी यहाँ पर पुलाव बना रही हूँ और बैठा भी हूँ, तो घर में कोई नहीं है, करते करते लेट हो गया। फिर नाश्ता भी हम लोग लेट में ही आज किए थे, तो ऊपर से इतना सारा बर्तन धोए तो ये सब में लेट हो गया। और इधर पनीर बनाएंगे तो उसी के लिए सब कुछ रेडी कर रहे हैं। पनीर बनाने के लिए मसाला पीस लेते हैं, नहीं तो फिर लाइन कट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 3 टमाटर काटे हैं, तो इसको हम पीसेंगे। और 2 प्याज लिए हैं और 3 मिर्चा, लहसुन, अदरक, ये सब यहाँ पर अभी पीसेंगे हम। तो इसमें हम थोड़ा सा गोटा गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, जो जो रहता है इसमें, दालचीनी, लौंग, गोलकी, ये सब। तो इसको हम पीस लेते हैं, चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम इलायची और तेजपत्ता वगैरह दिए थे, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मतलब टाइट हुआ है, इसको इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पुलाव के लिए सब कुछ सामग्री तैयार। तो हम एक कढ़ाई ले लिए हैं, इसमें पुलाव बनाएंगे।
तो इधर मेरे को टाइम लग गया मटर छिलने में ही ज्यादा, आधा घंटा लग गया इस ये सब में। तो यहाँ पर प्याज और गाजर काट के रखे हैं। यहाँ पर हम गोटा गरम मसाला में इलायची, लौंग और छोटी इलायची लिए हैं, तो लौंग नहीं दालचीनी लिए हैं, तो यही पर यहाँ पर डाल दे रहे हैं हम। इसको गरम होने देंगे, फिर यहाँ पर प्याज डालेंगे और गाजर भी डाल देंगे और मटर भी काट के रखे हैं वो भी डाल देंगे, छील के रखे हैं मतलब, सॉरी। और यहाँ पर हम पनीर भी एक जगह पर कर रहे हैं, टाइम हो गया ज़्यादा तो इसीलिए दोनों जगह पर बैठाए हैं। और यहाँ पर हम नमक दे दिए हैं, थोड़ा ज़्यादा नमक दिए हैं, पुलाव में नहीं दिए थे इसीलिए, और प्याज भी ज़्यादा देने से लग जाएगा पूरा पुलाव में, तो इसीलिए हम ज़्यादा नमक दिए हैं। तो यहाँ पर हम चावल निकाल के रखे हैं आधा, और आधा है इसमें सारा हम जो प्याज व्याज भून के रखे हैं यहाँ पर मिक्स कर लेंगे हम। इस तरह का ही पुलाव बनाते हैं, मेरे को इजी लगता है इस तरह का पुलाव बनाने में। पनीर बनाते हैं, कढ़ाई ले ली है पनीर बनाने के लिए। डालेंगे पहले से ही उसको भून के रखे थे, तो ये मटर सारा डाल देंगे यहाँ पर। तो ये मटर को भी मसाला के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे, तो उसके बाद हम सारा पनीर यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो पनीर को भी इसके साथ 2 मिनट तक भूनेंगे मसाला के साथ। पानी देने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको। पूरा थक गए, इतना ही खाना बनाते होने तक, सुबह से इतना खाना बनाना हो रहा है, नाश्ता में इतना कुछ बना, फिर इधर पुलाव ये, और सिर्फ हम अकेले ही बनाए इसीलिए पूरा थक गया। तो ये मेरा पनीर बन चुका है, देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को। को खाना बना के सो गए थे, अभी उठ रहे हैं, अभी 4 बज रहा है शाम के, तो अभी हम खा लेते हैं। बहुत जोर से भूख लगा था उस टाइम, थक गए थे तो सो गए थे इसीलिए। तो पापड़ फ्राई करते हैं फिर खाएंगे। गाइस आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। और आप लोग कब मकर मनाए कमेंट में जरूर बताइएगा कि 14 की 15, तो हम लोग तो 14 को मनाए हैं और कल भी शायद थोड़ा बहुत हो सकता है। हूँ 13 और 14 दोनों का वीडियो मिला के दी हूँ। तो आज का छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इस तरह का मकर मनाते हैं और
पहले तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था हम लोग का गांव में। हम लोग का गांव में मूर्ति भी लाते हैं और पूरा गांव हम लोग मूर्ति को घुमाते थे, जिसको हम लोग टुसू बोलते थे। तो यहाँ पर उस तरह का कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर खाना बनता है और ड्रेस साड़ी जो लिए हैं वही न्यू पहनते हैं खाली। लेकिन हम लोग का गांव में बहुत मजा आता था। अगर उस टाइम हम ब्लॉग स्टार्ट किए होते तो जरूर दिखाते हैं आप लोगों को। अगर कभी भी मकर के टाइम हम जाएंगे वहां तो दिखाएंगे आप लोगों को। तो हमारे ब्लॉग पर बने रहिए। तो इस तरह का ही हम लोग मकर मनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।